Good morning, students. Welcome to Discover Tuition Classes. I am Samir. We are doing chapter number 1, Introduction to Partnership. Question number 3, sub-question 6. Profit of the partnership firm of Sheila Surbhi and Sanket is ₹1,35,000. Okay, that is a mistake. And ANS like there, that is and Sanket is ₹1,35,000. So tino partner hai, Sheila, Surbhi and Sanket, jinka profit hai ₹1,35,000. They have shared profit in the ratio 2:1:3. ओके उन लोगों ने अपना प्रॉफिट जो शेयर किया है वो किसके अंदर किया है 2:1:3 के अंदर किया है इंस्टेड ऑफ 3:2:3 बेसिकली उनको किस रेशियो के अंदर करना था 3:2:3 रेशियो के अंदर करना था लेकिन उन्होंने गलती से 2:1:3 रेशियो के अंदर कर दिया है What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify this error? So, हम लोगों को accounting treatment देखना है कि किस तरीके से किया जाएगा कि जिसके वजह से हम rectification of error ढूंढना है capital account के लिए. So, first of all, हम लोग को क्या करना होगा? हम लोगों को जो सही डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट एंड लॉस का वो देखना पड़ेगा सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन दैट इज पर्टिकुलर देन नेम ऑफ थ्री पार्टनर्स फर्स्ट इज शीला अनदर इज Surbhi and the third one is Sanket. Now we have to do first correct distribution of profit. So correct distribution of प्रॉफिट ओके शीला का कोई क्या कितना है पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट उसको कितना पार्ट मिल रहा है थर्ड पार्ट मिल रहा है सो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 सो उसका पोर्शन आएगा 50,625 सो 50,625 रुपीज नाउ सुरभि के लिए दैट इज उसका करेक्ट है 2 सो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 सो उसका आएगा 37,750 सो 37,750 ओके एंड द लास्ट वन इज संकेत उसका भी कितना है थर्ड पार्ट है सो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 सो 50,625 सो 50,625 अभी हमको क्या करना है जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है उसको हमको लिखना है यहाँ पे हम लिख देते हैं किस हिसाब से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ओके नाउ अभी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो गलत तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ओके कितने से किया है That is 2:1:3
3 प्रोपोर्शन के अंदर किया गया है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। सो शीला का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 45,000 आएगा। कितना आएगा, 45,000। उसी तरीके से सुरभि के लिए, सुरभि का देखते हैं, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6। सो हिज प्रॉफिट वुड बी 22,500। एंड द लास्ट वन संकेत, उसका प्रॉफिट आएगा 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। तो उसका प्रोपोर्शन आएगा 67,500। ये गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, प्लस साइन रखेंगे उसके आगे, और जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके आगे हम माइनस का साइन रखेंगे। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स हम हमारे आगे के क्लास के अंदर भी ये पढ़ चुके हैं, एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, तो क्या होगा, माइनस होगा और जो बड़ा अमाउंट होगा उसका साइन लगेगा। तो यहाँ पे बड़ा है 50,000, तो उसका प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। क्लियर? सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5,625 रुपीज। ओके, यहाँ पे भी सेम थिंग, दैट इज प्लस रहेगा, और जब हम माइनस करेंगे तो 11,250 रहेगा। एंड द लास्ट वन, प्लस माइनस, तो माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा है, दैट इज बड़ा अमाउंट है, दैट इज माइनस 67,500 बड़ा है। सो इसके अंदर अगर हम माइनस करेंगे तो 16,875। ओके, हमने हमारे इलस्ट्रेशन के अंदर देखा था, इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर, कि जो प्लस साइन है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो माइनस साइन है उसको हम डेबिट करेंगे। तो हमारा जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे रहेगा, जो संकेत का है माइनस 60,875 उसको हम डेबिट करेंगे और जो बाकी के दो है उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? सो लेट्स डू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो संकेत कैपिटल डैश करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन है, शीलास कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट एंड द लास्ट वन इज सुरभि टू सुरभि कैपिटल करंट अकाउंट। तो कितना रहेगा, संकेत का रहेगा 16,875 एंड शीला का रहेगा 5,625 एंड जो सुरभि का पार्ट आएगा दैट इज 11,250 रुपीज। तो हम नरेशन क्या करेंगे, नरेशन आएगा बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके, वो हमारा रेक्टिफिकेशन सॉरी नरेशन आएगा बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, आई होप यू गेट दिस. थैंक यू.